गुड मॉर्निंग एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी चैप्टर ऑफ जीके 24th, आंसर द क्वेश्चन. ओके, हियर द क्वेश्चंस आर गिवन एंड आंसर इज आल्सो गिवन हियर देयर. वी आर गोइंग टू रीड एंड सी द एक्सप्लेनेशन ओवर देयर एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज रिटन ओवर देयर. ओके, हाउ आर बनानास ग्रोन विदाउट ए सीड. इसका मतलब होता है कि बनाना बिना सीड के कैसे ग्रो होता है. ठीक है, बनाना ग्रो फ्रॉम ए स्मॉल बल्ब कॉल्ड सकर. जो बनाना ग्रो होता है एक स्मॉल बल्ब से ग्रो होता है उसको कहते हैं सकर कहते हैं. द सकर ग्रो आउट ऑफ द प्लांट राइजोम कॉल्ड प्लांट का ग्रो आउट टू ए राइजोम प्लांट्स राइजोम कॉल्ड द क्रोम. जो सकर फिर से बड़ा होता है ग्रो होता है और प्लांट राइजोम में बनता है उसको क्रोम कहा जाता है. विच इज इन द प्लेस अपराइट इन द सॉइल एंड ग्रोन इन टू ए न्यू प्लांट. विच इज प्लेस्ड अपराइट इन द सॉइल में ही रहता है फिर से न्यू प्लांट ग्रो होता है. ठीक है, हाउ डू डॉग्स कम्युनिकेट. इसमें क्या डॉग कैसे एक दूसरे से बातचीत करते हैं वार्तालाप करते हैं. डॉग्स डिपेंड अपॉन द सेंट टू फाइंड देयर वे. खुशबू से अपना रास्ता ढूंढते हैं या बात करने का तरीका देखते हैं. डॉग स्निफ ईच अदर एज ए वे ऑफ कम्युनिकेशन. डॉग एक दूसरे को सूंघ के वार्तालाप करने के लिए एक रास्ता ढूंढते हैं. डॉग कैन जज अनदर डॉग्स जेंडर एंड ऑल्सो इफ दैट डॉग बिलोंग्स टू द सेम पैक और इट्स ए स्ट्रेंजर. डॉग कैन जज अनदर डॉग्स जेंडर एंड इफ द डॉग बिलोंग्स टू द सेम पैक और इज अ स्ट्रेंजर. वो डॉग जज करता है कि डॉग का जेंडर पता करते हैं कि मेल है कि फीमेल है या उनके प्रजाति में है कि वो चेक करता है या अजनबी है. सेंट ऑल्सो इंडिकेट द कॉन्फिडेंस लेवल ऑफ द डॉग. ये सेंट इंडिकेट करता है कि जो खुशबू होती है इंडिकेट करती है उनकी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाती है डॉग की जो आत्मविश्वास बढ़ाती है सूंघने को खुशबू. ऑल द इंफॉर्मेशन हेल्प द डॉग टू डिटरमाइन. ये जो जानकारी है डॉग की टू डिटरमाइन व्हाट रिलेशनशिप अनदर डॉग इज लाइकली टू बी. ये जो जानकारी मदद करती है डॉग को कि डिटरमाइन करने के लिए कि पता लगाने के लिए कि उसका रिलेशन दूसरे डॉग से कैसे होगा. व्हाई डज काउ कंटिन्यूसली चीव इट्स फूड. ओके, काउ डज नॉट चीव इट्स फूड राइट अवे. मतलब कि तुरंत एक ही टाइम पे चबा नहीं लेता है. फिर उसके बाद क्या लिखा है विल सी. एक काउ ईट्स ए फूड क्विकली एंड च्यू जस्ट लाइक सो एज टू मॉइस्टन इट एंड देन सॉलो इट. तो क्या करता है काउ पहले ईट कर लेता है फूड क्विकली चबा लेता है लिटिल थोड़ा सा चबा के उसको मॉइस्ट करता है ईट एंड देन सॉलो इट निगल लेता है. द फूड एंटर्स द फर्स्ट सेक्शन ऑफ द स्टमक द रूमन. तो फूड कहाँ एंटर होता है फर्स्ट सेक्शन ऑफ स्टमक को द रूमन कहा जाता है. वेर इट मिक्सेस विद द डाइजेस्टिव लिक्विड एंड बिकम्स द सॉफ्ट. जो फूड एंटर होता है फर्स्ट सेक्शन रूमन में जाता है तो वो डाइजेस्टिव लिक्विड से मिक्स होता है वहाँ जाके सॉफ्ट होता है. दिस मुलायम हो जाता है. दिस सॉफ्टन फूड इज कॉल्ड. जो मुलायम फूड होता है या खाना होता है उसको कर्ड कहा जाता है. द कट ट्रेवल्स बैक टू द काउ माउथ वेयर इट्स काउ चेव्स एंड सॉलो इट अगेन. तो कट क्या फिर से उसके मुंह में काउ के मुंह में वापस आ जाता है ट्रैवल करता है एंड देन काउ चूज द च्यू करता है चबाता है एंड फिर से उसको सॉलो करता है अगेन. देन ट्रैवल्स टू द अदर पार्ट ऑफ द स्टमक एंड फाइनली इज डाइजेस्टन. फिर से अदर पार्ट ऑफ द स्टमक को ट्रैवल करता है और फाइनली डाइजेस्ट हो जाता है फूड. ओके, व्हाई डज द फ्रूट क्यूवी फ्रूट हैव ए हेयरी एक्सटीरियर. कहा है कि क्यूवी का जो फ्रूट होता है उसके बाहर हेयरी एक्सटीरियर क्यों होते हैं. ओके, हेयर क्यों होते हैं. द हेयरी आउटर कवरिंग ऑफ क्यूवी प्रोटेक्ट इट फ्रॉम इंसेक्ट एंड एनिमल्स वाइल कीपिंग इट सेल्फ मॉइस्ट बाय कलेक्टिंग मॉइस्चर फ्रॉम द एनिमल्स. जो हेयरी स्ट्रक्चर होता है वो क्यूवी फ्रूट को इंसेक्ट और एनिमल से बचाता है और अंदर मॉइस्ट रखता है बाय कलेक्टिंग मॉइस्चर फ्रॉम द एजमोस्फेयर. ठीक है, जो मॉइस्ट का मतलब होता है गीलापन.
तो वो मॉइस्चर थोड़ा सा गीलापन एटमोसफेयर से खींचता है, अंदर ले लेता है। द हेयर ऑन द कीवी फ्रूट गेट स्टक टू द लेग्स ऑफ द इंसेक्ट बिकॉज ऑफ दे टर्न टू मूव अवे। जो हेयर होते हैं कीवी के फ्रूट के ऊपर, उसमें मान लो कभी इंसेक्ट आके बैठता तो उसके पैर फंस जाते हैं, तो उस वहाँ से निकलने का कोशिश करता है। ओके, थैंक यू, दिस वॉज द एक्सप्लेनेशन ऑफ 24th। नाउ हियर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द मॉडर्न ओलंपिक्स एंड फ्यूचर। ओके, एंड इट्स फ्यूचर, इट्स अबाउट रिलेटेड टू योर स्पोर्ट्स। एवरीबडी लाइक स्पोर्ट्स वेरी मच, सम हैव द हॉबी टू प्ले सम गेम। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट मॉडर्न ओलंपिक्स। ओके, हियर आर द क्वेश्चंस ओवर देयर, वी आर गोइंग टू रीड एंड वी विल सी व्हेन व्हेन वेर द फर्स्ट रिकॉर्डेड ओलंपिक हेल्ड। 776 BC एशियन ओलंपिक्स हेल्ड, 776 BC। What does the IOC stand for? IOC stand for International Olympic Committee. Who is the founder of International Olympic Committee? Baron Pierre de Coubertin and Demetrius Michels. Okay. Where is the IOC headquarters located? Lausanne, Switzerland. ये country का नाम है, place का। Who is the current IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी प्रेसिडेंट? थॉमस बैक इज द प्रेसिडेंट। हु इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक्स? बैरन पियरी द कोब्रेटिन इज द फादर ऑफ द मॉडर्न ओलंपिक। हु क्रिएट द मोटो ऑफ ओलंपिक गेम्स? स्विफ्टर सॉरी हाँ देर इज लाइट एज गॉन। ओके, हु हैज क्रिएटेड द मोटो ऑफ ओलंपिक गेम्स? स्विफ्टर एंड हायर एंड स्ट्रॉन्गर, हेनरी डिडोन। अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश, विच लैंग्वेज इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी? फ्रेंच। वैन वॉज द फर्स्ट इंडियन इंडिया वैन वॉज द फर्स्ट टाइम दैट इंडिया पार्टिसिपेटेड इन द ओलंपिक्स? 1900 in Paris. It was held in Paris. Okay, who was the first athlete from the independent India to win a medal at Olympics? Kasheba Dada Saheb Jadhav. Who was the first woman to reach the semi-final of Olympic event? Chani Abraham Wilson. Who is the first Indian woman to win medal in the Olympic Games? Karna Malleshwari. Where were the Special Olympics held in 2019? Abu Dhabi. What was the venue of 216 Olympics? Rio de Janeiro, Brazil. Where would the 2020 Olympics be hosted? Tokyo, Japan. This is the there is a no need of explanation over there. We have to read the question and then only try to learn this everything. Okay, no one can write directly. First you write and then learn, you will able to understand. Okay, thank you, have a nice day.